हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है और कुछ चर्चा करने वाला हूं मैं आपके साथ। दरअसल दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसका टाइटल आप देख रहे होंगे बगल में। इसमें मैंने मेंशन किया था कि देखिए, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, छत्तीसगढ़ पुलिस हो गया और विधानसभा, यानी कि छत्तीसगढ़ के जो समस्त एग्जाम होते हैं, इन सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर अपडेट है। अब करंट अफेयर अपडेट मतलब ये होता है कि जो हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उससे रिलेटेड ये अपडेट है। और आगे जो है मैंने वीडियो में बताया था, पहला चीज था, कल आपको पता होगा, पूरे देश में जो है छत्तीसगढ़ जो है अव्वल स्थान में आया लैंगिक समानता जो है इस इंडेक्स में। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज था क्योंकि छत्तीसगढ़ का पूरे देश में इस जो है इंडेक्स में प्रथम आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो है इन समस्त जो छत्तीसगढ़ के समस्त एग्जाम होते हैं इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंडली जो है, मैंने नैना थकड़ के बारे में बताया, आपको पता होगा ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला बन गई है जो माउंट एवरेस्ट फतेह की है। तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है विश्व कप जानते हैं सबसे बड़ी चोटी है, और उसमें जो है छत्तीसगढ़ की पहली लड़की है जिन्होंने उसे चढ़ाई की है उसके ऊपर। तो देखिए, ये दोनों न्यूज जो है छत्तीसगढ़ के लिए पूरे साल भर जो है यहाँ के करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, यहाँ के समस्त एग्जाम जो भी होने वाले हैं उसमें इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए मैंने जिसका थंबनेल है, वीडियो का थंबनेल, उसी में मेंशन कर दिया था कि सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, सीजी पुलिस हो गया, विधानसभा, इन समस्त एग्जाम के लिए जो है बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अपडेट। लेकिन देखिए दोस्तों, ना लोग जो है किसी थंबनेल को प्रॉपरली पढ़ते हैं, सीधा जो है अब्यूज करना शुरू करते हैं। कल के वीडियो में देखिए, कुछ कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया, हालांकि मैं ऐसे कमेंट्स डिलीट करता हूं, लेकिन उसमें कुछ कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि देखिए, कुछ लड़कों ने लिखा था कि सर आपका थंबनेल कुछ और है और अंदर कुछ और है। तो देखिए, अगर आप थंबनेल को प्रॉपरली पढ़ेंगे ही नहीं तो आप कहां समझेंगे। उसमें मैंने मेंशन किया है करंट अफेयर्स अपडेट, आप उसका मतलब क्या समझते हैं। सेकेंडली, एक जो है मैम थी, उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था उसमें, आपके चैनल में जो है जॉब से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं मिलती है, सिर्फ आप पैसे कमा रहे हैं। और तीसरे कुछ जो है, तीसरे मुद्दे कुछ है, कुछ अब्यूज कर रहे थे। तो देखिए, तीनों को एक साथ में यहाँ पे रिप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो देखिए, यहाँ पे मैं डेली जो है, अगर आप मेरा चैनल देखते हैं रेगुलर, तो मैं डेली कुछ ना कुछ जॉब से रिलेटेड जानकारियां देती ही रहता हूँ। मेरा तबियत बीच में खराब चल रहा था, मेरे घर में जो है क्या इश्यूज थे मैंने आपको बताया था, फादर का डेथ हुआ, बड़ी माँ का डेथ हो गया, लेकिन उसके बाद मैं कंटिन्यू जो है मैं आपको जो भी जॉब्स के अपडेट आ रहे हैं। देखिए, पहले मेरा लिमिटेशन था कि मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ के जॉब डालता था, बाद में मैं छत्तीसगढ़ के संविदा के भी जॉब डालने लग गया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और समस्त जो एग्जाम जिसमें समस्त साथी बैठ सकते हैं सभी का अपडेट देना शुरू किया, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, मुझे एक लिमिटेशन नहीं रखनी चाहिए। हर किसी को जो है जब स्टेट में जॉब नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं से जॉब मिलते रहे, तो इसलिए अपना मैंने दायरा बढ़ा दिया था। तो देखिए, मैं डेली जो है जॉब्स की न्यूज डालता हूँ, अगर आप जानते होंगे, लेकिन मैम को पता नहीं, एक वीडियो देख के अपना रिव्यू बनाती है, तो उन्होंने ऐसा कहा, चलिए वहां तक ठीक है। लेकिन आप जहां बात करी थी पैसों की, तो देखिए, मैं जब बीमार होके अपने परिवार की जो है इन स्थितियों के बावजूद मैं वीडियो बना रहा हूं, तो वहां पे मेरा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंडली, मैंने पहले भी बोला है, यूट्यूब जो है आपको लगता होगा कि बहुत पैसे देता है, तो ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं। देखिए, यहाँ पे यूट्यूब की अर्निंग अगर मैं आपको शो कर सकता तो जरूर करता। गेन के मान के चलिए, एमआई का जो है 10,000 mAh का जो है पावर बैंक लेते हैं, उतनी अर्निंग सिर्फ एक महीने की होती है। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे लिए काफी है नहीं, ना ही इस इनकम के भरोसे में बैठा हूँ, मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग बिल्कुल दूसरा है। तो ये जो आपकी गलत मेंटेलिटी है या चीप मेंटेलिटी है कि यहाँ से पैसे अर्निंग का सोर्स है, तो उसे बिल्कुल हटा दीजिएगा। और सेकेंडली, देखिए, मैं कंटिन्यू जो है आपको कहता हूँ कि आप पहले चीजों को ध्यान से पढ़ लीजिए। मैंने वहां पे थंबनेल में लिखा हुआ है कि ये जो है करंट अफेयर अपडेट है, और दोनों के दोनों जो है ये चीजें आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरे साल भर आपको करंट अफेयर में काम आएंगी। लेकिन आप लोग को जो है डायरेक्टली आपको लोगों को कुछ ना कुछ जो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना रहता है, और आप लोग जो ये कह देते हैं, अब्यूज कर देते हैं। देखिए, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, अब्यूज करना मुझे भी आता है, लेकिन मैं ऐसा चीज करता नहीं हूँ। और सेकंडली, जो आप लोग बोलते हैं कि गलत न्यूज दिखाते हैं, तो यहाँ पे गलत क्या था मुझे दरअसल बताइएगा, क्योंकि देखिए, करंट अफेयर्स लिखा है तो अंदर के करंट अफेयर्स का टॉपिक भी बताया है, दो ऐसे न्यूज बताए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए, वही गलती मेरी हो गई थी, मैं कंटिन्यू अपना कमेंट बॉक्स ओपन रखता था और आप लोग से कंटिन्यू जो है फीडबैक लेते रहता था। आपको पता ही होगा, मैं लाइव भी आता हूँ तो आपसे फीडबैक लेता हूँ या आपके जो डाउट्स क्लियर करता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे छात्र मुझे मेल करते हैं, उनको रिप्लाई करता हूँ, डायरेक्ट कॉलिंग करते हैं उनको रिप्लाई करता हूँ, व्हाट्सएप के माध्यम से रिप्लाई कर रहा था और कमेंट बॉक्स के माध्यम से रिप्लाई कर रहा था। तो देखिए, अगर कोई बहुत ज्यादा किसी के लिए अच्छा करने लग जाए तो लोगों को उस चीज की वैल्यू समझ में नहीं आती। तो इसके लिए दोस्तों, मैं आपसे माफी चाहते हुए कह रहा हूँ कि अब से जो है मैं आप लोग के कोई भी कमेंट का रिप्लाई नहीं करूंगा। सेकंडली, मेरा ईमेल बॉक्स भी अब बंद हो जाएगा आप लोगों के लिए, और व्हाट्सएप और जो डायरेक्ट कॉलिंग करता था उसे भी मैं बंद कर रहा हूँ। तो देखिए, वीडियोस कंटिन्यू आते रहेंगे, लेकिन आप लोग से जो इंटरेक्शन था लाइव चैट के माध्यम से वो भी अब बंद होने वाला है, क्योंकि अब जो है मैं समझ चुका हूँ कि ये सब करके कोई फायदा नहीं है। क्योंकि देखिए, इतना बीमार होने के बाद, इतना कुछ सहने के बाद भी जो है अगर मैं आप लोगों का हेल्प कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से ही कह लीजिए, क्योंकि इससे मुझे कुछ मिलना तो है नहीं,
उसके बाद भी अगर आप लोगों का ऐसा रिस्पॉन्स रहता है तो फिर ऐसे चीज करके कोई फायदा नहीं है, तो मैं चीजों को बंद कर रहा हूँ। हालांकि ध्यान रखिएगा आप लोगों को वीडियोस जो है प्रॉपरली मिलते रहेंगी, मैं वीडियोस आपको रेगुलर देते रहूंगा, लेकिन जो से जो इंटरेक्शन था वो बंद हो रहा है, तो उस चीज के लिए मुझे माफ करिएगा। तथा लास्ट में बता दूं, देखिए मैं चाहता तो उन लोगों के नाम यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर सकता था उनके कमेंट के साथ जिन्होंने कमेंट किए थे, लेकिन आप लोग का जो है मैं नाम खराब करना नहीं चाहता। सेकंडली जो है बहुत सारे लीगल एक्शन भी ले सकता था, लेकिन वो भी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग का करियर मैं खराब नहीं कर सकता।